हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों 17 तारीख से पहले जो है बाबरी मस्जिद अयोध्या का जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कुछ चंद दिनों बाकी हैं। मुस्लिम जो है लोग हैं, एनजीओज हैं, जो सरफरस्त हैं, वो लोग हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, आपस में हर जगह मीटिंग कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लोगों को समझा रहे हैं। आज ही एक ऐसी मीटिंग जो है इस्लाम जिम खाने में ली गई हुई है, सिटीज़न फॉर पीस के हिसाब से बात करते हैं यहाँ पर। सर क्या मीटिंग थी आज? देखिए आज की मीटिंग में मुसलमानों की जो बड़ी जमातें हैं, बम्बई की जितनी तंजीमें हैं मुसलमानों की, उन तमाम तंजीमों के सरबराहान, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी एमएलए वगैरह शरीक हुए। मकसद ये था कि जो जजमेंट आएगा, जजमेंट हमारे फेवर में भी आ सकता है, हमारे खिलाफ भी आ सकता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर है। लेकिन जो भी जजमेंट आएगा उस जजमेंट के बाद मुसलमानों को किसी तरीके का अगर फेवर में आता है तो जश्न नहीं मनाना है, आप शुक्रानी की नमाज़ अदा कीजिए मस्जिद में जाके, और अगर हमारे खिलाफ जाता है तो हमको मुश्तइल नहीं होना है, हो सकता है हमको सामने वाले मुश्तइल करें। दूसरी बात यह कि हमारे समाज में हमको अपनी अमन शांति रखने की कोशिश करना है, ऐसा हमको मालूम है कि दूसरे समाज के लोग भी, गैर मुस्लिम भाई भी, हिंदू भाई भी, वो अपने समाज में अमन शांति की कोशिश कर रहे हैं। हम सब का आज की मीटिंग का मकसद ये था कि हम किसी भी तरीके से अपने मुल्क के अंदर अमन और शांति को भंग नहीं होने देंगे, अपने शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब होने नहीं देंगे। समाज का इनिशिएटिव इसलिए है कि समाज का काम है, पुलिस को मालूम है गुंडे कौन है, लेकिन समाज के अंदर कोई आदमी अगर बदमाशी करता है तो समाज के लोगों को उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। आज तमाम जिम्मेदारों की मीटिंग थी, उसमें यही बातें हुई है और ये मैसेज हम आपकी मीडिया के माध्यम से देना चाहते हैं लोग। जी फिरोज भाई से बात करते हैं, फिरोज जी बात करते हैं, फिरोज जी मीठीपुर वाला जी हैं। फिरोज भाई सिद्धि विनायक टेम्पल और उसकी बात की गई थी, जरा वो समझाएंगे इस मीटिंग में क्या निकाला गया? नहीं, बेसिकली हमारा मानना है कि ये टाइम पे आपको सभी समाज के घटकों से बात करनी पड़ेगी जो मन चाहते हैं, ठीक है। और हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें बात हुई थी कि जो जो भी संगठन है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदुओं के हो, अलग अलग राजनीतिक दल हो, सबसे बात करो। उसमें वीएचपी की बात आई थी, ठीक है, फ़ोन उठा के बात किया, उन्होंने बोला कि हम लोग देख रहे टीवी पे और न्यूज़ में पढ़ रहे कि मस्जिदों से बड़े बड़े ऐलान हो रहे फॉर पीस, वो बहुत पॉजिटिव मैसेज हिंदू समाज में जा रहा है, आप आके हमको मिलिए। हमारी मीटिंग हुई, आपको सामने से फोन आया? नहीं नहीं, मैंने फोन किया था। अच्छा, हाँ। जिम्मेदारी मेरी थी, मेरे पास एक नंबर था, मैंने फोन किया। कोई भी करे उससे मतलब नहीं है, अच्छा काम है। एग्जैक्टली, तो एक मैं टीवी चैनल पर उनको मिलता था, इतनी बात थी, तो उनकी तरफ से इतना पॉजिटिव मैसेज आया, ठीक है, और मलयाली थे तो मैंने खाली भाई से बार बार बात करवाई, मगर द पॉइंट बीइंग दैट हमने देखा कि उनके तरफ से भी पॉजिटिव पहल हो रही है कि हम भी मैसेज बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं के नीचे बैठा पहुंचा रहे कि हमको हिंसा में नहीं जाना है, शांत रहिए, जो भी कोर्ट वर्डिक्ट आएगा उनके तरफ से वही मैसेज, हमारे तरफ से वही मैसेज। जब इतनी बात है सिंपल, तो आप साथ में बैठे और एक ज्वाइंट ऐलान कर दीजिए। अगर मुस्लिम समाज के संगठन और जो हिंदू समाज के संगठन है और वो नॉन मुस्लिम, एंड दे आर नॉट दी ओनली वन, मैं नहीं बोल रहा कि वीएचपी सभी हिंदुओं को नहीं करता, उसमें से एक बात आई थी कि ठीक है सिद्धि विनायक मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर, उनसे ही बात की जाए और बात की जाए। मैं बोल रहा कि समाज के हर घटक के साथ बात हो जिसमें हम लोग एक अमन का पैगाम पहुँचा सके, उससे जो मैसेज ऑफ पीस जाएगा, वी आर कमिंग टू अ वेरी क्रूशियल पीरियड, एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर हम लोग अभी खड़े और उसका एक क्लोजर आ रहा है, वो शांति से उसका क्लोजर हो, एक नई ऐसी कोई बात ना बने जिसमें से हम लोग को वापस उसका बहुत बड़ा नुकसान। तो बात करते हैं खालिद भाई से, खालिद जी क्या ये जो बात की है दूसरे समाज से बात करने की, तो ये मीटिंग कब और कैसे होगी? नहीं, हमने शुरुआत तो कर दी है, पिछले 4 तारीख को जाकर उनसे बात की है, अभी इसको आगे बढ़ाएंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे, जैसे आपने कहा सिद्धि विनायक मंदिर या और जितने मंदिर, तो मीटिंग में बात हो, हाँ उस तमाम लोगों से जाके हम लोग मिलने वाले, और सब जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे एक ही मकसद है कि अदालत का फैसला अदालत करे, हमको उसके अदालत का फैसले का एहतराम करना चाहिए। अगर मुसलमानों के फेवर में आए तब भी हमको एहतराम करना चाहिए, अगर मुसलमानों के खिलाफ आए तब भी एहतराम करना चाहिए। मकसद ये कि मुल्क के अंदर अमन अमान को गारत होने नहीं देना, किसी भी कीमत के ऊपर हमको लॉ एंड ऑर्डर को इंटैक्ट रखना, ये हमारा मकसद है, हिंदुस्तान की जो अखंडता है उसको बरकरार रखना। सलीम अलवारे साहब से बात करते हैं, सलीम भाई क्या मैसेज देना चाहोगे आप मुस्लिम कम्युनिटी को? मैं कम्युनिटी को बहुत शॉर्ट मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो भी तमाम लोग जब ये कह रहे हैं कि जो भी मैसेज आएगा, जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, हम उसका एहतराम करेंगे, तो हम पर लाजिम है तमाम लोगों पर, तमाम मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी हो, इस फैसले का एहतराम करें, अगर फेवर में भी आता है तो भी इसको शांति बना रखें, और अगर अगेंस्ट जाता है या मान लीजिए कि ये ज़मीन राम मंदिर मंदिर के लिए निर्माण के लिए दी भी जाती है, तो हम लोगों को इससे दिल बर्दाश्ता होने की कतई ज़रूरत नहीं है, और किसी जो भी कोर्ट का फैसला है, कोर्ट जो भी, और कोई अगर उकसाने चाहे वो राम मंदिर का देवे, देखिए पहले तो ये बात ये है कि वो कोर्ट जो है मंदिर बनाने का ऑर्डर या मस्जिद बनाने का ऑर्डर नहीं दे रही, इट्स अ लैंड डिस्प्यूट,
तो कोर्ट जो है एक टाइटल सूट क्लियर कर रही है, कोर्ट कभी ये नहीं बोलेगी कि आप मंदिर बनाओ, अगर वो जगह आपको दी जाती है तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। टाइटल सूट को लेकर जो भी फैसला आएगा, यस टाइटल सूट को लेकर जो भी फैसला आएगा उसको तमाम लोग कबूल करेंगे, ऐसा माहौल इस मुल्क में बना हुआ है। हम लोग चूँकि एक्टिविस्ट हैं और हम लोग हमारा जो ग्रुप है, हम लोगों ने बम्बई में हर मौके पर हर मामले में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 सालों से इनिशिएट किया है और इसी तर्ज पर इस वक्त भी हम लोगों ने इस मामले को इनिशिएट किया है और तमाम लोगों से हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी है मंदिर मस्जिदों के ट्रस्टियान वगैरह, उन लोगों से बात कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। थैंक यू। सिराज भाई से बात करते हैं, जमायतुल उलमा हिंद के एक जिम्मेदार शख्स हैं मुंबई की, यहाँ से गुलजार आजमी साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो किया जाएगा, आम मुसलमान इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? सलीम भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जमीयतुल उलमा हिंद रोज़ अव्वल से ही इस पूरे मामले का फरीक है और आपको बता दी मौलाना अरशद मदनी साहब ने एकदम साफ कहा है कि अदालत का जो भी फैसला आएगा हमें वो फैसला मानना है और हुकूमत अगर ना चाहे, हुकूमत मैं फिर कहता एकदम साफ, अगर हुकूमत ना चाहे तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि फसाद बर्पा कर दे। इस सिलसिले में हमारी पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने एकदम साफ कहा है अगर ज़रूरत पड़ी हम 144 लगा देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी जो एरिया के अंदर गुंडा अनासी रहे हम उनको उठा के अंदर कर देंगे। कमिश्नर ने बड़ा अच्छा वादा किया और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की जात से उम्मीद है कि पूरे मुंबई के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अमन अमान कायम रहेगा और कहीं पर भी ऐसी कोई फिजा नहीं होगी। हमने इस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया है, जितने लोग भी शांति की बात करते हैं चाहे वो लालबाग का राजा हो, डोंगरी का राजा हो, या उमर खाड़ी का राजा हो, या सिद्धि विनायक मंदिर हो, महालक्ष्मी मंदिर हो, सारे लोगों से हम खुद पर्सनल जाके मिलेंगे और उनसे अमन अमान की बात करेंगे और अपील करेंगे कि हम एक हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब है, इसके अंदर अगर ज़रा से भी किसी ने भी कुछ शर करने की कोशिश करी तो हिंदुस्तान ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे अदालत का जो भी फैसला है हमें उनको मानना है, जुडिशनरी है, हिंदुस्तान हमारा है, अदालत भी हमारी है और सारे लोग हमारे हैं और सारे फैसले हमको मानना है, तो इंशाल्लाह ताला प्यार मोहब्बत अमन की बात रहेगी और अमन अमान कायम रहेगा। फेमस सोशल एक्टिविस्ट टीसा सिलवाद भी यहाँ पर आए हुए, इस मीटिंग को ज्वाइन किया है उन्होंने, फरीद अमन कमेटी जी के हैं, बात करते हैं टीसा मैम से। टीसा जी, क्या इस मीटिंग में आप शरीक थे, क्या आउटकम निकला आप? नहीं नहीं, एक तो बहुत ही अच्छी बात है कि कई 8-10-12 दिनों से यहाँ पे सब जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए मौलाना सीनियर के मौलाना साहब लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फरीद भाई, फरीद शेख जैसे मुसलमान मतलब बिजनेसमैन हैं अमन कमेटी के, और सब एक ही बात कर रहे हैं कि अमन शांति से के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है। हमने बस एक बात रखी कि जो भी मस्जिदों से सुलह शांति की बात हो रही है, अमन शांति की बात हो रही है, वो बहुत ही अच्छी है। साथ साथ हमें जो हिंदू धार्मिक तंजीमें हैं, मैं वहाँ पर वापस आता हूँ आपको, बहुत 2-4 दिन से ये सब चीज़ चल रही है चेष्टा जी, अभी अचानक कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि खाली हम मुस्लिम ही जो है मुस्लिम लोग ही पहल कर रहे हैं, तो इस मीटिंग में उनके लिए एक मैसेज क्या गया कि जो अंदर सिद्धि विनायक ट्रस्ट की बात की गई, तो जरा एक उन लोग को जरा एक आप समझाएंगे कि? नहीं नहीं, मैं जो मुझे आपका सवाल, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे सवाल सिंपल है, मुझे कहने दीजिए कि जहाँ पे मुस्लिम तंजीमों की बात है, मुसलमान तंजीमों की बात है, रिलीजियस लीडर्स और नॉन रिलीजियस लीडर्स की, हम चाहते हैं कि वो हिंदू तंजीमों के साथ बातचीत चले जो वाकई हिंदू शहर में रहने वाले हिंदू लोग जिस पर विश्वास करते हैं। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहिए, जैसे रामकृष्ण मिशन बहुत पुराना मिशन है, जैसे सिद्धि विनायक मंदिर है जो अपने प्रभा देवी में लाखों लोग वहाँ पे जाते हैं हर मंगलवार को, जैसे महालक्ष्मी मंदिर है, ऐसे भी तंजीम और ट्रस्ट है जो वाकई हिंदू हमारे हिंदू जो भाई बहन हैं वो उनको मानते हैं, उनके साथ भी अगर बातचीत चले अमन शांति की तो ये लंबे अरसे तक चलेगी। जी फरीद जी से बात करते हैं, फरीद जी एक छोटा सा सवाल ये था कि कुछ लोग का ऐसा कहना है कि मुसलमान लोग ही जो है आगे बढ़ रहे हैं और अमन की बात कर रहे हैं, तो अभी इस मीटिंग में आप लोग ने फैसला किया तो इस मीटिंग में एक चीज़ अच्छी निकल गया उनके लिए, जो हमको आज एक जवाब लगा, जो लोग हमसे बात करते हैं, हमसे फ़ोन करके बात करते हैं कि खाली मुसलमान लोग ही क्यों आगे बढ़ रहे हैं अमन शांति के लिए, नॉन मुस्लिम क्यों नहीं बढ़ रहे, तो आज इस मीटिंग का जो आया था हम चाह रहे थे कि आप वो बताइए कि इस मीटिंग में इस बात को क्या तय किया गया कि दूसरे ट्रस्ट से, दूसरे कौम के ट्रस्ट से कैसे बात की जाए? नहीं, इसमें सिर्फ मुस्लिम का मसला ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों का मामला है, अगर मस्जिद के फेवर में आएगा तो मुसलमान के फेवर में आएगा तो मुस्लिम खुश होगा समझते हैं, और हिंदुओं के फेवर में तो हिंदू खुश, तो हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं रहा है, मैं समझता हूँ। इसमें जो भी डिसीजन आएगा हम सबको
को मानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम ये जो मिलकर बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसके लेकर किसके आगे कोई डिसीजन नहीं आएगा। तो हमको रहना है हिंदुस्तान में, रहना हम सबको मिलकर रहना है, इंसान हमको इंसानियत के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए जिंदा रहना है। तो हमने ये कहा कि टीसा जी भी 30-35 साल से काम करी मैदान में, अमन कमेटी भी करी, हमने जो लास्ट 92 राइट के बाद में हमारी अमन कमेटी जो जिस तरह के काम करी, हम उस टाइम के जितने भी गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे, हमने उनको कॉन्फिडेंस में और हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, में कई क्रिश्चियन भाई भी हैं हम लोग, तो हमें तमाम इसमें कोई सिर्फ मुस्लिम वाला मामला नहीं। कल परसों भी हमने कई गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाया था, उसमें मीटिंग ली। कल हमारे ऑफिस में अमन कमेटी में कम से 150-200 लोग 250 लोग आए थे, उसमें हमारे लोकल DCP भी गए थे, हमारे लोकल गैर मुस्लिम जो हर अलग अलग शिवसेना के है, BHP के है, बजरंग दल, उन लोगों को हमने कॉल किया। तो हमारे 200-250 में से आधे लोग होते और आधे मिक्स, और मेरे कॉल में लोग आए बहुत, ये बड़ी बात। बोलने का मतलब दोनों तरफ से पहल चालू है, एक तरफा पहल नहीं चालू, दोनों तरफ से चालू, दोनों तरफ से लोग चाहते थे अमन बना रहे, कायम रहे, क्योंकि आज हालात बहुत खराब चल रहे, देश के इकोनॉमिक भी एकदम खत्म हो गई, लोगों के घर में खाने के वादे चल रहे हैं, तो इस तरह के इस चीज़ों में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, क्योंकि जो भी होगा कोर्ट के फैसले को मानने के लिए हर तरह तैयार है। मैडम, एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से लोकल, एक आम हिंदुस्तानी के लिए, हम मजहब की नहीं बात करेंगे, एक आम हिंदुस्तानी के लिए टीसा सिलवार का क्या मैसेज रहेगा? नहीं, मेरा हमारा ये मैसेज है कि आज जो एक नफरत फैलाने की जो एक पूरी मुहिम चल रही है, उससे हम दूर बचें और रोजी रोटी रोजगार और ये सब चीज़ों पे बात करें। ये देश अगर कायम है तो बस हिंदू मुस्लिम सौहार्द पर कायम है और वैसे ही कायम रहेगा। अगर हम इस तरह के शक और सुबह की नज़र से एक दूसरे को देखेंगे और हिंसा फैलाने की बात करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। इस वक्त ये मुल्क में आर्थिक परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, उसको लेकर हम काम करें और बाकी जो मुद्दे हैं जो साथ में मिलकर सुलह करके बात करें। दोस्तों, आज की जो मीटिंग थी उसमें मौलाना अतर अली साहब जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर्स हैं, बात उनसे करते हैं। जी, आज ये मीटिंग में क्या निकाला गया? देखिए, इसमें ये तय हुआ कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो केस कोर्ट में चल रहा है, फैसला कुछ भी आए, वर्डिक्ट कुछ भी आए, हमको हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है और मुल्क में, प्रदेश में, अपने शहर में, अपने इलाके में अमन व अमान और शांति को बरकरार रखना है। जी, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि खाली मुस्लिम कमेटी क्यों आगे बढ़ रही है, इसमें दोनों तरफ से होना चाहिए, तो आपकी मीटिंग में उसका जवाब निकला, जरा बताएंगे? आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी इस पर मीटिंग्स नहीं ले रही है, मुसलमान भी इस पर मीटिंग्स ले रहे हैं और इसके अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी इस पर फिक्रमंद हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इधर हम अकेले अलग करते हैं, उधर वो अलग करते हैं और साथ में मिलकर भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई। मैं कल ही की बात बताऊं, अमन कमेटी की तरफ से कल एक मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ से DCP वहाँ पर आए थे, वहाँ पर 50% हिंदू थे, 50% मुसलमान थे और बाकायदा एक ज्वाइंट मीटिंग थी, वहाँ ये फैसला हुआ कि हम हर हाल में अपने इलाके में अमन शांति बरकरार रखेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से गलत है कि सिर्फ मुसलमान इसके लिए कोशिश कर रहा है, मुसलमान भी कोशिश कर रहा है और उधर से भी कोशिश हो रही है और हम दोनों कोशिशों को वेलकम करते हैं। एज ए इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स की बात करें तो आमिर जी है, क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों का शुरू से एक मौकफ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहेगा वो सबसे सुप्रीम है और उसको मानना चाहिए। ये अच्छी बात है कि सामने से भी अब इस तरह के बयान आने शुरू हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो लोग मानेंगे। और इन सबसे आगे बढ़ के जो बात है वो ये है कि पीस प्रिवेल होना चाहिए, पूरे मुल्क में अमन का माहौल होना चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए। और जो लोगों के बीच में दिख भी रहा है, जिस तरह से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों के बयान आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत होपफुल हैं कि कहीं भी किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी का कोई अंदेशा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हमारी फिर भी अपील है, खासतौर पर यूथ से अपील है कि वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, फैसला जो भी आए या उसके खिलाफ या उसके फेवर में बहुत संयम के साथ जो है खासतौर पर सोशल मीडिया का ज़माना है, लिखना और बोलना चाहिए उसके खिलाफ बहुत संयम के साथ। जी देखिए, इस मीटिंग के हिस्से में सईद खान साहब से जो मुशावरत जो है NGO, बहुत बड़ी NGO वो चलाते हैं, साथ ही एक इंटेलेक्चुअल मुस्लिम में जाना जाते हैं, जो इनके बयान और स्पीच जो है बहुत कभी कभार गर्म रहते हैं, मगर नरम अल्फाज में रहते हैं, बहुत गर्म रहते हैं। सही जी, आज जो मीटिंग हुई इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुझे बाकी लोगों ने तो सब बताया, मुझे नेक्स्ट क्या होगा, उन्होंने क्या कहा, ये चाहिए। देखिए, नेक्स्ट ऐसा है कि मुल्क के जो मौजूदा इकोनॉमिकल हालात हैं उस पर भी गुफ्तगू रही, और मुल्क में बेरोज़गारी बहुत है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, दीगर मसाइल बहुत हैं। तो मुल्क का ओवरऑल टेम्पो यह है कि मुल्क में अमन चाहिए, इसका हर शहरी अमन चाहता है, उसके रोज़ी रोटी के मसाइल ज़्यादा संगीन उसको अब नज़र आते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त है, बॉम्बे पुलिस हो या पूरा पुलिस का महकमा, ये किसी सूरत फसाद के नाम पर एक चिंगारी भी
जलने देना नहीं चाहते। जितनी मीटिंगें पुलिस डिपार्टमेंट से रहीं उनकी संजीदगी से ये लगता है कि शहर में सुकून रहेगा और पुलिस ऑन द टोज है। आखिरी बात के पूरी 25 साल ये तहरीक में मद्दे मुकाबिल ये कहता रहा कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हमारा जो आस्था है वो मानेंगे, लेकिन सल्यूट टू द जुडिशरी, सल्यूट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि वो भी अब ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो हम मानेंगे। इस मुल्क का वकार दांव पे था अगर एक मद्दे मुकाबिल ये कह दे कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। ये मुल्क में लॉ चलेगा या अनार्की चलेगी उसका फैसला इस फैसले से होना था। ये खुशी की खबर है कि मुखालफीन भी अब कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो बात हम मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अमीन भाई, इस मीटिंग में क्या हुआ? आज जो ये मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें उलमा इकराम, NGOs, सोशल एक्टिविटीज सब मौजूद थे, इसमें एक चीज़ यही तय हुई है कि जो जजमेंट आने वाला है उसको लेकर अमन और शांति मुंबई में रहना चाहिए, मैसेज नीचे तक जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो सबको मानना चाहिए और उसके लिए हर गली में, मोहल्ले में, बस्तियों में ये मैसेज देना चाहिए कि हमको हर कीमत के अंदर पीस रखना है, अगर कोई भड़काता है तो हमको भड़कना नहीं, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, पुलिस अपना काम सही तरह से करेगी।